الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورة الروم جس کی تفسیر کا بیان ماہ رمضان سے پہلے شروع کیا تھا ماہ رمضان میں کچھ دوسرے موضوعات مہینے کی مناسبت سے بیان ہوئے آج پھر مسلسل تفسیر کا بیان کروں گا اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے یہ سنا کہ قوم عاد اور قوم ثمود یہ لوگ بڑے قد آور زور آور تھے عمریں بھی بہت ان کی زیادہ تھیں عمارتیں بنانے میں بڑے ماہر تھے بہت شہر آباد کیے
मक्का वालों से ये लोग ज़ाहिरी तौर पर बढ़ चढ़ कर थे। इनकी ज़मीन अरब की तरह बंजर नहीं थी, खेत थे, बागात थे और वो कौम भी होशियार थी। उन्होंने ज़मीन को खूब आबाद किया। नबियों का कहना नहीं माना। अल्लाह ताला ने हर नबी को मोजज़ात अता फरमाए। अपनी कौम के सामने नबी उस तरह के मोजज़े लाए जिनका उस ज़माने में ज़ोर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का ज़ोर था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तेब मेडिकल जिसको आप कहते हैं इसका ज़ोर था। नबियों ने मोजज़ात भी दिखाए, नबी रोशन निशानियां लेकर आए। अल्लाह ताला किसी पर ज़ुल्म नहीं करता। ज़ुल्म के एक माना किसी की चीज़ में बग़ैर मालिक की इजाज़त के तसर्रुफ और अमल दरामत करना। ये भी आपको बताया कि काफिर का खाना पीना चलना फिरना ज़ुल्म है, क्योंकि वो अल्लाह की बगावत करके इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। मोमिन के ये काम इबादत है कि वो अल्लाह ताला को मानता है और उसका मुतीअ फरमा बरदार है। यहाँ बताया गया इन्होंने काफिरों ने बुराई करने में कोई हद नहीं रखी, अल्लाह की आयतें झुठलाने लगे और उनके साथ तमस्खुर करने लगे जिसको आप ठट्ठा मजाक कहते हैं। हम ये जानते हैं कि जो भी अल्लाह की बातों के साथ तमस्खुर करता है, मजाक करता है, ठट्ठा करता है, उसका अंजाम बुरा होता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के हुक्म को हल्का समझना ये मोमिन का काम नहीं है। जो सुन्नत को छोड़ने वाला होगा, तर्क करने वाला जिसको तारिक कहेंगे, वो एक दिन फ़र्ज को भी छोड़ जाएगा और फिर अकीदे से भी निकल जाएगा। चोर पहले रास्ता बनाता है, फिर दीवार तोड़नी पड़े तो वो तोड़ता है। दीन की दीवार नबी की सुन्नत है, उसकी हिफाजत करो, वरना बाकी चीज़ों की भी खैर नहीं है। बदअमल बुरे काम करने वाला बदअकीदगी तक चला जाता है और ये लोग इनकार करने वाले, अल्लाह की बातों को झुठलाने वाले, अल्लाह के नबियों को झुठलाने वाले, अल्लाह की आयतों का मजाक करने वाले तबाह हुए।
हमें उनके अंजाम से सबक सीखना चाहिए। आज मुसलमान कहलाने वाले भी अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर उनका अंजाम भी बुरा होगा। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा आजकल उसको कहते हैं जिसको दुनिया की बातें मालूम हों, दूसरों की ज़बानें आती हों, अंग्रेज़ी हो या कोई और ज़बान, वो ज़बान है, इल्म नहीं है। अगर सिर्फ ज़बान को इल्म कहोगे तो दूसरे मुल्कों में बच्चे बच्चे वो ज़बान बोलते हैं। हमें वो बातें सीखनी हैं जिनसे दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। वो इल्म या वो फन सीखना जिससे शरीयत पर शक व शुबा आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बातों में शुबे पड़ जाए, बताइए उससे कोई फायदा होगा? एहरबानी, ऐसे लोग दीन से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलवियों को सिर्फ नमाज रोज़े के मसले आते हैं, ज़कात फितरे के मसले आते हैं, ये दुनिया को क्या जाने। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब तक मदरसा और स्कूल अलग नहीं किया गया था, रियाजी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो या दीगर जितने भी टॉपिक्स हैं, कौन बयान करता था? इमाम गजाली और इमाम राजी जैसे उलमा किस कॉलेज ने बनाए थे, किस यूनिवर्सिटी ने बनाए थे? कहते हैं मौलवियों को क्या मालूम। हाँ, आम होगा तो शायद नहीं मालूम, वरना माजी करीब में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 55 से ज़्यादा उलूम पर किताबें लिखी हैं। ज़रा उनकी इबारत पढ़कर तर्जमा ही कर दो। आप समझते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। आप साइंस की बातें करते हो, कौन सी साइंस है जिसकी बुनियादें, जिसकी असल बातें उलमा को मालूम नहीं है। इल्म हयात हो, इल्म अखलाक हो, जो उलमा जानते हैं वो ये दुनिया वाले जानते नहीं। उलमा इन दुनिया वालों की बातें जानते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले दीन और उलमा की बातें नहीं जानते। गैरों की किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनको कोट करते हैं, उनको पेश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उनको सिखाया किसने है? 400 बरस पहले यूरोप के पास कौन सा इल्म था, अमेरिका के पास कौन सा इल्म था? मैं आपके सामने बहुत सी बातें बता चुका हूँ। हम दीनी उलूम को, फ़नून को छोड़कर दुनिया के फ़नून में ऐसे मुनहमिक हो गए हैं, इतने गर्क हो गए हैं
कि हम समझते हैं दीन में ये बातें या दीन में दुनिया जहान की बातें नहीं हैं। मैं सच कहूं कि दीन ही दुनिया बरतने का तरीका सिखाता है। अखलाकियात हों, ईमानियात हों, अकलियात हों, जो दीन सिखाता है वो कोई और नहीं सिखाता। लेकिन लोगों का मिजाज हो गया है, फिक्र समझ को कहते हैं, आप लोग उर्दू में फिका कहते हैं, फिक्र समझ को कहते हैं, अल्लाह ताला जिसके लिए मेहरबानी फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है, जिसके लिए चाहता है उसका सीना खोल देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 7 साल कहत के और फिर 7 साल खुशहाली के, उन दोनों का जो निज़ाम बनाया था, कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखा था, कहाँ थी यूनिवर्सिटियाँ उस वक्त इस तरह की, जिस तरह उन्होंने लोगों को कहत में गल्ला पहुंचाया। आज आपको आटे की लाइनें लगानी पड़ती हैं, मौतें होती हैं, क्या कुछ हो रहा है। आप कहते हैं जी वो लोग मुहज़्ज़ब दुनिया है, हमें वो गवार कहते हैं, गैर तालीम याफ्ता कहते हैं, उनके जराइम की फहरिस्त पढ़े, वो क्या करते हैं आपको पता चले उनका क्या हाल है, शक्लें इंसानों जैसी हैं, हरकतें कैसी हैं। एक तरफ आप उनके काम वो देखते हैं तो दूसरी तरफ भी देखें क्या हाल है उनका, वहाँ इंसानियत सिसकती है। औरतों के साथ क्या हाल है, बच्चों के साथ क्या हाल है, क़ानून फितरत, क़ानून शरीयत, क्या इन सब की समझ क़ुरान और हदीस पढ़ने वाले से ज़्यादा किसी को हो सकती है। लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं, मानता हूँ उलमा कहलाने वाले कुछ होंगे जिनकी नज़र गहरी नहीं होगी या जो किसी एक ही शोबे में माहिर होंगे, मगर उलमाए हक अल्लाह की अता से वो कुछ जानते हैं जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जानते नहीं हैं। जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए, तमस्खुर करे, क्या वो समझदार कहलाएगा? दुनिया वाले कहते हैं अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो, अपने अपने तौर पर शेरों में, जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। मुझे बताएं, दीन से ज़्यादा बेहतर, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा बेहतर किसका कलाम है? सुनहरी बातें, अकवाले जर्री, गोल्डन वर्ड्स कह के गैरों की बातें पेश करते हैं, कहाँ से ली हैं उन्होंने? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सिखाया है, जवामेउल कलिम, कम लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी गहरी बातें उन्होंने समझाई हैं। आज उनके बराबर तो क्या कोई उन जैसा भी ऊंची कहिएगा। फलसफा, फिलॉसफी, मंतिक, कलाम, फलसफा भी उनका
उसकी बुनियाद क्या है, अगर वाकई वो चीज़ों की माहियत और हकीकत को समझते तो अल्लाह को पहचान लेते, लेकिन वो नहीं पहचान सके। क्यों? कि उनके जितने भी माखज हैं जिनसे वो हासिल करते हैं, जो उनके सोर्सेज हैं, अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे तो यही मालूम होगा कि उनके पास इल्म नाफे, नफ़ा देने वाला इल्म नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के जो बुरा तरीक़ा ईजाद करे उसका गुना उस पर होता है, और उन लोगों के गुना भी उसी के नाम लिखे जाएंगे जो उसके बुरे तरीक़ा जो उसने ईजाद किया था उस पर अमल करते। इसी तरह नेकी का जो नेकी ईजाद करेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उसको सवाब मिलेगा, जितने उस पर अमल करेंगे उनका भी सवाब मिलेगा। अब मुझे ये बताएं, जिन्होंने कुरान को झुठलाया, नबी को झुठलाया, खामखा की बातें की, लोगों को बुराई सिखाई, कुफर सिखाया, दीन से दूरी सिखाई, वो खुद तो गुमराह हुए, दूसरों की गुमराही का सबब बने या नहीं बने? इसीलिए हमें कहा जाता है कि हर कदम पर एहतियात करो। हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे, कलम कदम कसम सोच के उठाओ, मामूली सी गलती तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी, उसको भुगतना पड़ेगा। छोटे छोटे जुमलों में दीन की बातें आसान करके उलमा ने समझाई। दांतों का काम आंतों से ना लो, छोटा सा जुमला है, दांतों का काम आंतों से ना। क्या मतलब? लुकमा रोटी आप खाते हैं, दांतों में अच्छी तरह चबा लो, बगैर चबाए निगल जाओगे। आंतों में पिसता है जाके खाना, आंतों पे जोर पड़ता है, वो कमज़ोर हो जाती है। जो काम दांतों से लेना था वो तुमने आंतों से लिया, नतीजे में सेहत बिगड़ी, कमज़ोरी आ गई, फिर वो वक्त के जी खाना खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता, गलती अपनी। इसी तरह जब भी आप पहला कदम गलत उठाते हैं, फिर वो आगे गलती ही की तरफ ले जाता है। जिन लोगों ने हक और सच से रास्ता अलग किया, फिर उनको हिदायत नहीं मिली। ये हकायक हैं, रियलिटीज़ हैं, ये वो सच्चाई है जिसको आप झुठला नहीं सकते, मगर अमल न करने में आपका नुकसान है, आप अमल करेंगे आपका फ़ायदा। दीन क्या चाहता है? इंसान को फ़ायदा हो। दीन क्या चाहता है? आपकी ज़ात से आप फ़ायदा उठाएं, दुनिया में रहकर आखिरत की कमाई करें, वक्त ज़ाया ना करें, कोशिश करें कि आपका हर अमल आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और दूसरे को उससे नुकसान ना हो। मगर जिनकी सोच ही मनफी हो, नेगेटिव हो, नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा? खराबी। तो हम अल्लाह की आयतों को मानकर
अपना फ़ायदा करते हैं, अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो हर तरह की ज़रूरतों से पाक है। नमाज पढ़ेंगे हमें फ़ायदा होगा, नेकी करेंगे हमें फ़ायदा होगा, उसकी बातों पे अमल करेंगे हमें फ़ायदा होगा। मगर आज बहकाने वालों की बातों में लोग जल्दी आ जाते हैं, जो शक में डालते हैं उनकी बातों को लोग कबूल कर लेते हैं, यकीन वाली बातें कबूल नहीं करते। चांद पर कदम रखा किसी इंसान ने, बताया गया, मान लेते हैं आप लोग। नबी ने चांद को दो टुकड़े किया, कितने हैं जो शक करते हैं? जो यकीनी बात थी उसमें शक किया, जो शक वाली बात थी उस पे यकीन किया, मामला उल्टा हो गया। दुनिया के जितने फार्मूले हैं साइंस के बदल सकते हैं, थ्योरी गलत हो सकती है, कुरान हदीस गलत नहीं हो सकता। आजमा के भी देखा लोगों ने। मैंने आपको बताया था जर्मनी का एक डॉक्टर, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना कि मक्खी के एक पर में बीमारी है, दूसरे पर में शिफा है। उसने मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी मक्खी होती है उसके एक पर में बीमारी दूसरे में शिफा, ये कैसे हो सकता है। उसने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को जमा किया, पानी का गिलास लाया कि देखो मैं तुम्हारे सामने अभी बताऊंगा। उसका मकसद ये था कि वो नबी की बात को माज अल्लाह गलत साबित करे। उसने गिलास में मक्खी का एक पर डाला, इस तरह पकड़ के डाला कि पूरे पानी में जरासीम नज़र आ गए। उसने कहा देख लिया, अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा पर डालता हूँ। जब उसने दूसरा पर डाला वो खुद हैरान रह गया, सारे जरासीम गायब हो गए। वो चला था कि नबी की बात के झुटलाएगा, उसके सामने ऐसी हकीकत आ गई और वो बिल आखिर कह उठा कि मेरी सोच गलत है, नबी का फरमान सच्चा है। अब देखें, हमें आज कितनी बातें साइंस से भी साबित होकर पहुंची कि साइंस ने भी तस्लीम किया कि नबी की बात सच्ची है, हक है, कोई शुबा नहीं। मगर बहकाने वाले लोगों को ये कह रहे हैं नहीं, साइंस को मानो भले वो गलत है। मैं उनसे ये कहूँगा कि साइंस दुनिया को किसी तरह थोड़ा सा जानने का नाम है, लेकिन साइंस से आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब बने। अगर वाकई तमाम साइंसदान सच्चे हैं तो मुझे बताएं वो गौस बन गए, वली बन गए, कुतुब बन गए, आरिफ बिल्ला बन गए, अल्लाह को पहचानने वाले बन गए? नहीं। आप कहेंगे आप चूंकि मुसलमान हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते। मगर आप उनकी इजादात की बात करेंगे, उन्होंने क्या कुछ बनाया है उसकी बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी ही बात बता दो कि इंसान को किसने बनाया है, उसकी अक़ल को किसने बनाया है। ये जो अक़ल से आप करिश्मे दिखा रहे हैं, इस अक़ल का खालिक कौन है, बनाने वाला कौन है? और मुझे ये बता दें कि अल्लाह शिफा ना देना चाहे तो डॉक्टरों की सारी तरकीबें बेकार हो जाती हैं या नहीं होती?
एक शख्स बीमार हो गया, मैंने कल ही ये बात किसी ने मुझे वो भेजी, मैंने पढ़ी, उसको सख्त तकलीफ हो गई, उसको कहा गया कि तुम यूरोप जाओ, वहाँ जाके इलाज कराओ। यूरोप में चला गया, एक ख़ास किस्म का कैंसर उसको बताया गया था। उन्होंने कह दिया कि तुम 4 से 6 महीने के मेहमान हो, इससे ज़्यादा जी नहीं सकोगे और इसका हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं। जब डॉक्टरों ने यह कहा, वो वहाँ से मायूस होकर आया। एक एक दिन गिन कर गुजारने लगा कि अब इतना कम हो गया, अब इतना कम हो गया, अब ज़िंदगी का टाइम इतना रह गया। एक दिन बाज़ार को निकला, गोश्त की दुकान पर गया, देखा तो एक खातून फटे पुराने लिबास में छीछड़े जमा कर रही थी, जो चर्बी कसाब फेंक रहा था वो जमा कर रही थी। इसने कहा, ए खातून, तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरे बच्चे रोज़ कहते हैं हमें थोड़ा सा गोश्त खिला दो, गोश्त बहुत महंगा हो गया, मेरे पास तो वैसे ही पैसे नहीं हैं, ये फेंक देता है, इससे मैं साफ करके मामूली मामूली गोश्त इसमें से निकलता है, लग जाता है थोड़ा सा, वो मैं निकाल कर साफ करके बच्चों को खिलाने के लिए जमा कर रही हूँ। उस शख्स ने कहा, ये छोड़ दो। दुकानदार से कहा, ये जितना गोश्त मांगती है इसको दे दो, ये मेरा पता है, ये जब भी आए गोश्त इसको दे देना, इससे पैसे नहीं लेना, मुझसे ले लेना। उसने खुदा तरसी हमदर्दी की, खातून ने दुआएं दी उसको, उसके बच्चों ने दुआएं दी। उसको कुछ महसूस होने लगा कि मेरी सेहत गिरने की बजाय बेहतर हो रही है। वो फिर मुआलिज के पास, डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने कहा कि हमने तो जो कहा था हमें तो उसी तरह नज़र आ रहा है, तुम फिर बाहर जाके चेकअप करा लो, मुआयना करा लो। 6 महीने की मुद्दत पूरी हो चुकी थी जो यूरोप के डॉक्टरों ने दी थी। वो दोबारा गया, वो यूरोप के डॉक्टर हैरान रह गए कि तुझे तो कोई भी मर्ज नहीं, तेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, क्या किया तूने, कौन सी दवा इस्तेमाल की है? उसने कहा, बस यही काम किया है कि दवा इस्तेमाल नहीं की है, मैंने वो काम किया। उसने उनके सामने जिक्र नहीं किया, लेकिन उसको याद आ गया कि मैंने अल्लाह की मखलूक से मेहरबानी की है, रब ने मुझ पर मेहरबानी कर दी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, लोग तजरबात करते हैं। और अगर कोई कहे कि नहीं जी तुम किस दुनिया में रहते हो, भूल जाओ पुरानी दुनिया को, कुछ नहीं रखा, तो उनको हम यही कहेंगे कि हम जितना यकीन अल्लाह और उसके रसूल पर रखते हैं, तुम्हारी दवाओं पे नहीं रखते। दवा में असर कब आएगा? जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो दवा में असर नहीं है। वही अल्लाह बंदों में असर रखता है, जगहों में रखता है, चीज़ों में रखता है। तासीर उसी ने रखी है। ऐ इंसान, तेरे पास जो अक्ल है, इस अक्ल को अल्लाह ही ने बनाया है। अल्लाह ना चाहे तेरा दिमाग ख़राब हो जाए, कोई ठीक कर सकता? पूछ रहा हूँ। तो जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, दीन को झुठलाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। दीन पर अमल करके देखो, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं,
बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। और जिस किसी ने भी तजर्बा भी किया उसको भी यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में ही भलाई है, कामयाबी है। वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने बगावत की, नाकाम हुए। आइए मैं मुसलमानों में भी आपको दिखाऊं, मुसलमान कहलाने वाले वो तमाम लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, बेअदबी की, कलिमा पढ़ते थे मगर किया, मुझे बताएं क्या हुआ? वो कामयाब हुए, दुनिया में भी रुसवा हुए, आखिरत भी उनकी बर्बाद हुई। कोई दूर की बात नहीं है, देखी हुई बातें। मैं किसी का नाम लिए बगैर बता रहा हूं आपको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुस्ताख, जिला मियांवाली की बात है। जब उसकी गुस्ताखी बहुत हो गई, उसके अंदर की आंतों का निज़ाम बदल गया, उसका पखाना उसके मुंह से निकलता था। दुनिया ने देखा उसको, कभी निगल लेता था कभी उगल देता था। उसी के शागिर्द का हाल हुआ, दुबई में अस्पताल में किस तरह उसकी मौत हुई, उसने सिर्फ इतना ही जुमला गौसे पाक के खिलाफ कहा था कि मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा रहा, उसने गौसे पाक की जो तौहीन की अभी इतनी बात की थी, उसकी ज़बान बाहर निकल आई, इतने बड़े बड़े उस पर छाले बन गए, मुंह कुत्ते की तरह हो गया, ज़मीन से उछल के छत को लगता था। बड़ी मुश्किल से उसको बंद किया डब्बे में और ऊपर लिख दिया मुंह देखने के काबिल। नवाए वक्त की सुर्खी थी, पाकिस्तान के नवाए वक्त अखबार की। तो याद रखें, कुरान से नबी से तमस्खुर करने वाले बर्बाद होते हैं। काफिर तो मानता नहीं है, मोमिन जो मान कर करे वो और ज्यादा मुजरिम बनता है। वो जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था मिर्जा, किस तरह उसकी मौत हुई? वो टॉयलेट में मरा। और जो अदब करते हैं, बेअदबी से बचते हैं, बेअदबों से बचते हैं, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते? कितनी रिवायतें, कितने वाकयात चश्मदीद मौजूद हैं। आज हम दुनिया को यही कहना चाहते हैं, ब्लास्फेमी, कुरान की नबी की गुस्ताखी करने वालों, कोई कुरान को जलाना चाह रहा है, कोई नबी के माज़ अल्लाह मंसूब करके खाके बनाना चाह रहा है। इन लोगों को हम ये कहते हैं, तुमने नबी को जाना है, पढ़ा है, उनके ग़ुलामों को ही देख लो तो तुम्हें बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, मगर गंद जल्दी फैलता है। आपके ईमान को बिगाड़ने, आपके अकीदों को ख़राब करने की कोशिशें हो रही है, ज़हन में रहे। ऐसे लोग तबाह हुए और जो उनके पीछे चले वो भी तबाह हुए।
बिलाखिर कहाँ जाना है इन्होंने? अल्लाह के पास ही जाना है ना, वहाँ पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह यब्दा उल खल्क सुम्मा युईदु। अल्लाह ताला पहले बनाता है फिर दोबारा बनाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर उसी की तरफ लौटना है, उसी की तरफ फेरोगे बगैर किसी सांचे, जिसको आप डाई कहते हैं। नमूना किसने बनाया है? ऊंची। मरने के बाद दोबारा कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। आखिरत में कौन उठाएगा? अल्लाह उठाएगा। वो लोग कहते हैं, नहीं जी बस यही है, यही खत्म हो गए, कुछ नहीं आगे, कुछ नहीं। हमारा तो ईमान है, वल बाद से बाद अल मौत, मरने के बाद हम उठाए जाएंगे, हमें आखिरत पर यकीन है, क़यामत पर यकीन है, जजा सजा पर यकीन है। अल्लाह ताला किसी तरह भी कमज़ोर नहीं। दोबारा बनाना तो आसान होता है, पहले बनाना मुश्किल होता है। कुछ कहते हैं दोबारा कैसे बनेगा, किसी की हड्डी टूट गई कहाँ से आएगी, किसी की फलानी चीज़ ख़त्म हो गई कहाँ से आएगी। अल्लाह बनाने वाला है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो दोबारा बनाएगा। وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिमों की आस टूट जाएगी। ये लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते, ये जान लेंगे। कितनी मखलूक, आज कहते हैं तकरीबन 7.5 अरब से ज़्यादा दुनिया की आबादी है, मोरलेस 8 अरब कम या ज़्यादा, 8 बिलियन इतनी आबादी है इस वक्त। बताते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसानी तारीख तकरीबन 10,000 साल की है। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आखिरी आदमी अरबों खरबों में होंगे गिनती के लिहाज से। सा का लफ्ज़ आया है वक्त का एक हिस्सा, साअत वक्त के एक हिस्से को कहते हैं। क़यामत को साअत से इसलिए ताबीर किया जाता है कि वहाँ 50,000 साल के बराबर उस दिन में बंदों का हिसाब थोड़ी सी देर में हो जाएगा। आपको एक दिन का बिल बनाना पड़े, शायद घंटा दो घंटे लग जाते होंगे। कंप्यूटर आ गया, कुछ आसानी हो गई कैलकुलेटर से जोड़ तोड़, वो भी जिसने लिखा हो, थोड़ी सी रकम भी भूल गया हो, कहाँ रख दी थी, किसको दी थी, वापस की थी नहीं की थी, भूल पड़ जाए, आपको हिसाब बराबर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। मगर अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल, खरबों लोगों का हिसाब थोड़ी सी देर में हो जाएगा। मुजरिम ना उम्मीद हो जाएंगे, उनकी आस टूट जाएगी, उस शख्स की तरह हो जाएंगे जो अपनी तमाम हुज्जतें दलीलें ख़त्म करके हैरान कि अब तो मेरे पास कोई दलील नहीं है, क्या पेश करूं।
उनको नज़र आ जाएगा कि अब हमारे साथ कोई भलाई नहीं होगी, क्योंकि हमने इनकार करके, रब का इनकार करके, रब की आयतें झुठला के अपना बुरा कर लिया है, अब हम भलाई पा सकते ऊंची। ये जो आस उम्मीद होती है ना, ये बंदे को बड़ा हौसला देती है। कहते हैं उम्मीद टूट जाए तो बंदा टूट जाता है, उम्मीद बंधी रहे तो नहीं भी अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हो जाएगा, ये इंसान को जोड़े रखती है। युबलिस का लफ्ज आया है, युबलिसुल मुजरिमून। इबलास वो गम जो इंसान को ना उम्मीदी के बाद लाहिक हो जाता है, इसी से इबलीस मुश्तक है। इसीलिए कहते हैं जो कोई अपने ऐसे दलाइल कायम करे जो जवाब मिलने पर उसे साकित कर दें, चुप करा दें, ऐसी दलीलें दे कि उनका जवाब आए तो उसको चुप होना पड़े, और फिर कुछ कोई उस ऐसी दलील उसके दिमाग में ना सूझे उसको, ना समझ आए जो उसको फ़ायदा दे सके, तो ये कहते हैं कि जी ख़त्म, इसके लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। यहाँ एक बात कर दूँ आपसे, हमें कहा गया कि बंदे को दो हालतें, एक होती है खौफ और एक है उम्मीद। दोनों लफ्ज़ याद रहेंगे आपको, खौफ और उम्मीद। इन दोनों हालतों के दरमियान न खौफ ख़त्म होना चाहिए न उम्मीद ख़त्म होनी चाहिए। इतना खौफ ना हो कि नहीं जी ख़त्म हो जाएगी बात, इतनी उम्मीद ना हो कि नहीं जी बनी बनी बात, दरमियानी हालत। ये समझे कि अल्लाह जिसको सबसे पहले दोज़ख में जाने को कहेगा वो भी मैं ही हूँ, और अल्लाह जिसको सबसे पहले जन्नत में जाने को कहेगा वो भी मैं ही हूँ। ये बीमो रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान ये हालत। बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो बख्शे बख्शाए हैं, ना। कुछ कहते हैं जी हमने तो बख्शे ही नहीं जाना, ना। खौफ भी रहे उम्मीद भी, मगर बुनियाद क्या है? ईमान। अगर इनकार किया है, अल्लाह की आयतें झुठलाई हैं, तो फिर कोई गुंजाइश, फिर उम्मीद टूट जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। बड़े यहां पर कहते थे नहीं जी देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। मुझे अक्सर ये शेर गुनगुनाता रहता हूं, मेरे पीरो मुर्शिद बहुत पढ़ा करते थे, फारसी है, बाबा सादी जिंदाबाद, बुजुर्गों के कलाम, सूफियों के कलाम। शुनी दम के दर रोजे उम्मीदो बीम, सुना है वो दिन जो खौफ और उम्मीद के दरमियान जो हालत। शुनी दम के दर रोजे उम्मीदो बीम, बदारा बने काबिबख्शद करीम। सुनता हूँ कि वो दिन जो खौफ और उम्मीद के दरमियान का दिन होगा, उस दिन नेकों के सदक़े बदों को भी रब बख्श देगा। उम्मीद नहीं टूटनी है बशर्ते के ईमान हो, लेकिन मुजरिमों की जिन्होंने इनकार किया होगा उस दिन आस, आस
कितनी शिद्दत का दिन है कयामत, सूरज सवा मील पर है, ज़मीन तांबे की बनी हुई, गर्मी से दिमाग उबल रहे हैं, जो जितना गुनाहगार है उतना उसका पसीना है। कितनी सख्त बातें हैं, कितनी शिद्दत, मगर मोमिन की आस नहीं टूटेगी, मोमिन की उम्मीद नहीं टूटेगी। अल्लाह ताला बेनियाज है मगर करीम है, मगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात की उम्मीद भी है, रब की रहमत की उम्मीद भी है। ईमान वालों को अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मायूस। सुनो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। आपके गुनाह कितने हो जाएंगे? आपको 60 70 80 90 साल की ज़िंदगी मिल गई, 100 साल की ज़िंदगी मिल गई, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितने गुनाह कर लेंगे आप? गिनती हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पूछ रहा हूँ, हो जाएगी ना? अब बताओ, अल्लाह की रहमत की गिनती हो सकती है? पहाड़ों के बराबर आपके गुनाह हो जाएं, रब की रहमत से मायूस नहीं होना। कब? जब ईमान वाले हो। एक सच्चा आंसू नदामत का बह गया, एक सच्ची तौबा हो गई, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। शैतान ने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक को गुमराह करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। 3 मरतबा उसने ये कहा, शैतान ने अल्लाह से कहा, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करता रहूँगा, दूर करता रहूँगा हिदायत से। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे जब तक मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं माफ़ करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। अभी रमजान में आप ये दुआ ज़्यादा करते रहे, वैसे तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन शब बरात में, शब कदर में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, नबी पाक ने ख़ुद सिखाई है ये दुआ। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला करीम है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफ़ करने को पसंद करता है, हमें माफ़ फरमा दे। सुनो, हमसे गुनाह होंगे, हमसे गुनाह होंगे, जानबूझकर भी और अनजाने में भी होंगे। जो बंदा गुनाह करके अकड़ जाए वो इबलीस की रविश पर आता है, और जो झुक जाए, माफ़ी चाहे, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता। ये भी हदीस मैंने आपको सुनाई है, ये हदीस है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो मैं एक ऐसी कौम पैदा करूंगा जो गुनाह करे ताकि मैं मुआफ़ करूं। अल्लाह को मुआफ़ करना बहुत आजिज़ी करो, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो। ओ जी, मुझसे तो इतने गुनाह हो गए, मैंने तो बख्शे ही नहीं जाना। तुम क्यों कहते हो ऐसा? वो करीम है, सजा दे के या सजा के बगैर माफ करना चाहे उसको कोई रोकने टोकने वाला, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना। मुजरिम की आस टूट जाएगी, मोमिन की आस नहीं टूटेगी। मैंने ये हदीस कई मरतबा आपको सुनाई है, मुंह पर आई है, मेरे एक मरतबा फिर सुना रहा हूँ। इसको समझना, इसको समझने की कोशिश करना।
मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे। एक देहाती शख्स, आप लोग जिसको देहाती कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है, पेंडू है, जो भी लफ्ज़ आप कहते हैं, अरबी देहाती, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। साहबा जिक्र सुन रहे थे क़यामत का, उसने दरमियान में ये सवाल किया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। वो कहने लगा फिर घबराने की बात ही कोई नहीं है। वो देहाती शख्स कहने लगा घबराने की फिर बात ही कोई नहीं। साहबा उसकी तरफ देख रहे हैं, हम अल्लाह के खौफ से हमारे पित्ते पानी हो रहे हैं और ये कह रहा है घबराने की कोई बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करनी हो, फरमा तू जो कह रहा है ऐसी बात तो कैसे कह रहा है? उसने कहा करीम जब गलबा पाता है मुआफ़ कर देता है। करीम जब गलबा पाता है मुआफ़ कर देता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ा लिखा नहीं है ये, लेकिन किसी ने समझदार देखना हो, इसने बड़ी पते की बात की है, इसको देख लो कितनी पते की बात की। तो अल्लाह से उम्मीद उन्हीं की बंदी रहेगी जो ईमान वाले हैं, मुनकरों की आस ऊंची, बुतों की पूजा करने वाले, अल्लाह की आयतें झुठलाने वाले, अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाने वाले, नबी की तकजीब झुठलाने वाले, इनकी आस टूट जाएगी। किनकी आस टूटेगी? काफिरों की, मुशरिकों की, गुस्ताखों की। ईमान वाले क्या कहते हैं? एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मैं क्या हूं मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा। मैं 100 लाख का क्या मतलब होता है? जितने भी हो, यहां सिर्फ 100 लाख से मुराद वही गिनती नहीं, इससे भी ज्यादा हो, हुजूर आपका एक इशारा ही काफी होगा। आप रहमतुल आलमीन, और मैंने आपको बताया अल्लाह की 100 रहमतें हैं, कितनी फिर कहिए, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में सिर्फ एक जाहिर हुई है, 99 कयामत में जाहिर होंगी। जब एक पर इतनी मेहरबानी है तो 100 पर कितनी होगी? तो हमारी आस नहीं टूटनी चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं कि गुनाहों पे दलेर हो जाए, इसका यह मतलब नहीं लेना ना कि वो मेहरबान है करेगा मैं डट के गुनाह करूं, ना हो जाए तो शर्मिंदा होना है, जानबूझ के करना नहीं, हो जाए तो, लेकिन उसकी रहमत से मायूस ऊंची नहीं। काफिर की, मुजरिम की आस टूटेगी, मोमिन की, मोमिन की नहीं टूटेगी।
मैंने दरसे तरावी में सुनाई ये बातें, आपको भी कई मरतबा सुनाई हैं, फिर सुना देता हूँ। दो बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, एक वो होगा जिसने दुनिया में अल्लाह की कोई बात नहीं मानी, गुनाह करता रहा अल्लाह की बात नहीं। एक वो था अभी करता हूँ सुस्ती का मारा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अभी करता हूँ सुस्ती। दोनों पेश हुए, जिसने कोई बात नहीं मानी वो भी, और जो टालता रहा वो भी। हुक्म होगा इन दोनों को दोजख में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? दोजख फारसी का लफ्ज है, आग को कहते हैं जहन्नम, नार, ये लफ्ज आपने सुने हुए हैं, हेल इंग्लिश वाले कहते हैं। वो जिसने दुनिया में कोई कहना नहीं माना था, वो बड़ी तेजी से दोजख की तरफ जा रहा है, दौड़ के, जैसे किसी जगह जल्दी पहुंचना हो। जो दूसरा था वो हर दो चार कदम के बाद पीछे मुड़ के देख रहा है, फिर रुक रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहा है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अलीम व खबीर है, अलीम बेजात सुदूर, जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है वो भी जानता है। अल्लाह फरमाएगा दोनों को वापस लाओ, दोनों वापस लाए जाएंगे। वो जो तेजी से जा रहा था, अल्लाह फरमाएगा तुझे दोजख का शौक है, बड़ी तेजी से जा रहा है जैसे कहीं जाने का शौक हो, मफहूम बता रहा हूं। वो कहेगा या अल्लाह मैंने दुनिया में तेरा कोई कहना नहीं माना, आज मैंने ये पक्का इरादा किया था जो तू हुक्म देगा मैं जरूर मानूंगा, आज मैंने ये तय किया था जो भी तू हुक्म देगा मैं जरूर मानूंगा। तो तूने हुक्म दिया, मैंने कहा देर नहीं करनी है, इस पे अमल करो तेजी से। दूसरे से अल्लाह फरमाएगा तू बार बार मुड़ के पीछे देख रहा था, उसने कहा मैं सारी जिंदगी सुनता आया हूं, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा मेहरबान है, तो मैं बार बार मुड़ के इसलिए देख रहा था, अभी फैसला बदल देगा, अभी फैसला बदल। अल्लाह फरमाएगा दोनों को जन्नत में ले जाओ। मायूस नहीं होना, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि गुनाहों पर दलेर हो जाए। गुनाह हो जाते हैं, हम खता और निसियान से मुरक्कब हैं, हमसे भूल भी होती है, हमसे मिस्टेक भी होती है। मोमिन की आस नहीं टूटेगी, काफिर की आस। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाउ वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। जिनकी आस टूट जाएगी ना मुजरिम, और उनके शरीक जिनको वो पूछते थे, जिनकी इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, वो उनके सफारशी नहीं होंगे, वो कयामत में उनके सफारशी नहीं होंगे, और वो अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे, खुद कह देंगे यहां उनको मानते थे, बुतों की पूजा हो रही है, बुतों को क्या कुछ समझ रहे हैं, वहां उनके मुनकर हो जाए। यहां से पता चल गया कि काफिरों का मुनकरों का कोई सफारशी नहीं होगा, ईमान वालों के सफारशी ऊंची गई है। शफाअत, फारसी में सफारिश, इंग्लिश में इंटरसेशन,
समझ आई आपको? नबी वली अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह इजाज़त देगा वो शफ़ात करेंगे, और नबी पाक को तो इजाज़त दे दी हुज़ूर ने, फरमा दिया अल्लाह ने मुझे शफ़ात दे दी है, हुज़ूर शफ़ात फरमाएंगे। नबियों को अल्लाह ने दुआ कहा जो मांगना है मांग लो, हुज़ूर ने दुनिया में वो दुआ नहीं मांगी ख़ास, नबियों ने मांग ली। हुज़ूर ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए रख ली है आखिरत में, अल्लाह ने फरमाया आधी उम्मत बख्शवा लो या शफ़ात ले लो, आधी उम्मत बख्शवा लो या शफ़ात ले लो। हुज़ूर ने आधी उम्मत नहीं शफ़ात ले ली कि मैं सिफारिश करता जाऊंगा, रब मेहरबानी फरमा कर बख्शता जाएगा। शेख मुहक्किक ने लिखा 10 तरह की हुज़ूर की शफ़ात होगी। कितनी तरह की? यहाँ तक के जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा हुज़ूर उसको भी दोज़ख से निकलवा लेंगे। लेकिन हम ऐसे काम करें ही क्यों कि दोज़ख में जाना पड़े? ईमान के मामले में लचक नहीं होनी चाहिए, ईमान के मामले में आपको ठोस चट्टान की तरह मजबूत, आंधी आए थपेड़े आए अपनी जगह से हिलना नहीं। ईमान की कदर करो। मैं फिर एक मर्तबा वाज़े कर रहा हूँ, मोमिन अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता नहीं। पूजा परस्तिश वर्शिप अल्लाह के सिवा किसी की करता नहीं। बुतों के पूजने वाले, आग के, लकड़ी के, लोहे के, पानी के, तारों के पूजने वाले, सूरज के पूजने वाले, मज़ाहिर कुदरत को पूजने वाले, इनका कोई सफारशी, ये जिनको अल्लाह का शरीक बनाएं या उनके इबादत के लायक समझें, ये जो सफारशी हैं इन्हें अल्लाह के अजाब से छोड़ा नहीं सकेंगे, छोड़ा नहीं। माजी का सीगा जब कभी इबारत में आता है कुरान की, इसलिए कि वो अल्लाह के इल्म में वो बात कहना चाहिए मुहक्कक हो चुकी है, यानी तय पा चुकी है। ये जो लोग होंगे बुतों के पूजने वाले, दूसरों को अल्लाह का शरीक ठहराने वाले, नामीद हो जाएंगे ना जब ये अपने मतलूब नहीं पा सकेंगे, उम्मीद टूट गई, मुराद नहीं मिली, तो फिर ये जिनकी पूजा करते थे उनसे बेजारी का इजहार करेंगे, बुतों को कहेंगे हम तुम्हें मानते रहे तुमने ये किया, वो कहेंगे हमने कहा था मानो, तुमने माना था, हमने तो नहीं कहा था, काम नहीं आएंगे इनके बुत इनके काम, ऊंची कह दीजिए। मसाला शफात के हवाले से दो बातें बता दूं, शफात अगर नहीं है तो अल्लाह ने क्यों बयान फरमाया? कहते हैं कोई शफात नहीं, किसी की शफात नहीं होगी, जो ये कहते हैं मैं उनसे पूछता हूँ फिर अल्लाह ने उसका जिक्र क्यों किया? आयतल कुर्सी में पढ़ते हो मंजल लजी यशफाओ इंदहू इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके पास शफात करे? इसका मतलब शफात है, शफात ऊंची कह दीजिए। जो लोग इसको धौंस समझते हैं या नहीं धौंस के साथ बात मनवाई जाएगी वो गलत है, वो
کہ اللہ سے کہیں گے نہیں اپنا فیصلہ بدل، معاذ اللہ ایسی کوئی بات. یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان ظاہر کی ہے. اللہ اپنے پیاروں سے فرمائے گا تم میری بارگاہ میں سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں. نماز جنازہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کی آپ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. لڑکی ہو تو شافعتا ومشفعا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا. سارے پڑھتے ہیں یا اونچی؟ تو جو شفاعت کا انکار کر رہے ہیں بچوں کے لیے مان رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں مان رہے ہیں. کیا صحیح ہو سکتے ہیں؟ اونچی؟ اچھا جی. قرآن یاد کرنے والا جس کو آپ لوگ حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن کا حافظ ہو گیا، اب کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے میمورائز کر لیا. قرآن کو یاد کرنے والا یاد رکھے، صحیح رہے، ایمان والا رہے، قیامت کے دن وہ اپنے گھرانے کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. کون سے 10 افراد؟ جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے. اس پر یہ انکار کرتے؟ اونچی؟ حاجی، حج کرنے والا، یہ ایک ہی عمل ہے جس کو کرنے والا اپنے نام کے ساتھ وہ عمل لگا لیتا ہے. نماز پڑھنے والا نمازی نہیں لکھتا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں لکھتا، روزے رکھنے والا روزے دار صائم نہیں لکھتا، حج کرنے والا اپنے ساتھ ضرور حاجی لکھ لیتا ہے، الحاج یا حاجی. چلو جی، حاجی اپنے خاندان کے 70 اور دوسری روایتوں میں زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا. جس نے حج کر کے باقی رکھا ہو، پاجی نہ ہو گیا ہو، یہ مانتے ہیں حافظ قرآن کے لیے مانتے ہیں، بچوں کے لیے مانتے ہیں، حاجی کے لیے. عالم دین، سچا عالم دین، عمل کرنے والا، اس پہ ثابت قائم رہنے والا، ان گنت لوگوں کی شفاعت کرے گا. ان کو کہا جائے کہ جی آپ عالم ہیں، آپ شفاعت کریں گے، مان لیں گے، قرآن کے حافظ کے لیے مان لیں، نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ جاؤ اللہ لے جائے مدینہ منورہ، ریاض الجنہ سے جب آگے نکل کے مواجہ شریف نبی پاک کے چہرے کی جالیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں آج بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، دونوں طرف، ایک طرف ایک حدیث، دوسری طرف دونوں شفاعت کے بارے میں، شفاعتی حق. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے، کوئی اس میں جھوٹ کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان رکھے. کس کے لیے؟ جو مانتا ہی نہیں تو اس کے لیے کائے کی شفاعت. دوسری طرف حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. آج بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو وہ مٹا سکے، ہٹا سکے. نبی کا فرم. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں جی یہ شفاعت کوئی چیز نہیں. میں نے کہا تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے ماننا نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہم مانتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. تو یہ چونکہ بات آئی تھی اس لیے میں نے بتا دی. یہ جو
بتوں کی پوجا مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے یہ دیکھیں گے, پہلے تو امید ٹوٹ گئی, اب یہ دیکھیں گے اپنے ان کی طرف جن کو خدا مانتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے, تو یہ ان کا انکار کر دیں گے, ان سے بیزار ہو جائیں گے, ان سے اونچی مطلب ہی نہیں ملا, کچھ حاصل نہیں ہوا, کس کام کے ہو تم؟ وہ آگے سے کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں پوچھو, ہم نے تو نہیں کہا تھا, تم نے بنایا تھا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اور جس دن قیامت ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے, اس کی ہولناکی ہیں اتنی سختی. آج یہاں پر مذاق کر رہے ہیں, اس کی ہولناکی کی وجہ سے دوبارہ ذکر کیا گیا, متفرق ہو جائیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے, چونکہ اس وقت امید ان کی ٹوٹ چکی ہوگی, وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے. اب یہاں پر میں ایک بات اور کرتا چلوں, جو مجرم ہیں ان کا تو آپ نے سن لیا کہ کافر الگ ہو جائیں گے, مومن الگ ہو جائیں گے, ایسے جدا ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ پھر کبھی وہ اجتماع نہیں ہوگا, دنیا میں مل کے رہتے ہیں وہاں الگ الگ ہو جائیں گے. یہ آپ نے سن لیا, مگر یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. قیامت کے دن الگ کر دیا جائے گا, وہ تو کافر اور ان کا بیان ہو گیا, آپ لوگ بھی سن لیں. اسی لیے بڑے بڑے اللہ والے بھی عاجزی کرتے. ایک لفظ ہے محرم, میم ہا را میم, اردو میں کہوں میم ہے رے میم محرم. ایک ہے مجرم, فرق کیا ہے دونوں میں؟ اونچی گئی ہے, نقطے کا فرق. اسی لیے کسی صوفی کا شعر ہے, مجرم محرم اکو شکلاں, دیکھنے میں لکھا جائے تو اس کی بناوٹ لفظ کی ایک جیسی, مجرم محرم اکو شکلاں, تے میں مر چلی اس ہاوے, مت اے نقطہ مجرم والا محرم دے سر آوے. دیکھنے میں ایک ہی شکل ہے لفظ کی, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ مجرم والا نقطہ محرم کو نہ لگ جائے, اس کو نہ چسپاں ہو جائے. تو ہمیں دنیا میں ہی جان لینا ہے کہ جو بے ادب ہیں, گستاخ ہیں, ہمیں ان سے مکس ہونا اونچی. لوگ کہتے ہیں نہیں جی مل کے رہو, یاد رکھیں
وہ تو کافر مومن کا مسئلہ ہے، یہ بدعقیدہ گستاخ بے ادب، ہمیں ان سے بھی کسی سے مکس. اب ایک بات اور سن لیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بار بار عقیدے پہ زور دیتے ہیں، بار بار ایمان کی بات کرتے ہیں، تو کیوں کرتا ہوں؟ عمل میں کمزوری ہو معافی کی گنجائش ہے، عقیدے میں خرابی ہو معافی کی گنجائش، تو اہم چیز کیا ہوئی؟ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے بغیر بات بن سکتی نہیں. مدار نجات، نجات کا مدار اعمال نہیں ہے، ایمان ہے. ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کام نہیں آئیں گے. عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. معمولی سی گستاخی آپ کے عملوں کو برباد کر سکتی ہے. میں سمجھا دوں بات کو، ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن سمجھا دیتا ہوں. آپ کو ایک شخص حلوے کی پلیٹ لا کے دے، بہترین 100 گرام حلوہ، کتنا؟ سمجھانے کے لیے آپ 1000 گرام کھاؤ بھلے سے، سمجھانے کے لیے بات. وہ کہے گا جی اس میں چینی ہے، سوجی ہے، گھی ہے، پستہ ہے، بادام ہے، پانی تھوڑا لگا کے اس کو کیا گیا ہے. 99 گرام چیزیں صحت والی ہیں، قوت والی ہیں، اچھی ہیں. 99 گرام، صرف 1 ملی گرام اس میں زہر ہے. 99 گرام قوت والی چیزیں ہیں، صرف 1 ملی گرام زہر ہے، کھائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کہیں گے زہر ہے اس میں، وہ کہے گا کہاں نظر آ رہا ہے، نظر کہاں آ رہا ہے؟ سوجی نظر آ رہی ہے، مٹھاس نظر آ رہی ہے، گھی نظر آ رہا ہے، پستہ بادام نظر آ رہے ہیں، زہر کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہا، مگر اس میں ملا ہوا ہے، اس میں ملا ہوا ہے. یہ 99 گرام فائدہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پتہ نہیں، یہ جو 1 ملی گرام ہے یہ مجھے ختم کر دے گا. آپ کھانے کو تیار؟ اونچی سمجھانے کے لیے بات میں پھیلا نہیں رہا. بظاہر ان لوگوں کی دوسری چیزیں دیکھتے ہیں آپ، وہ نظر آتی ہیں، وہ بے ادبی نظر نہیں آتی، مگر ہے یا نہیں بتائیے. اس بے ادبی کے بعد ان کی باقی چیزیں کام آئیں گی؟ اونچی نہیں، ذرا سی بھی، معمولی سی بے ادبی بھی تباہ کر دے گی. شیطان نے کتنی عبادت کی، بس نبی کا ادب نہیں کیا، کچھ کام آیا؟ اونچی. آپ کتنا دودھ لے لیں صرف، اس میں سے آپ ایک قطرہ ٹپکا دیں اس میں گندگی کا، پیئیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے، اپنے صحیح عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے. نہ کسی بے ادبی، نہ کسی بے ادب سے کوئی واسطہ. اونچی کہہ دیجیے. جو نبی کا وفادار نہیں، وہ میرا آپ کا وفادار ہو سکتا نہیں. الگ الگ ہو جائیں گے، جنتی الگ اور دوزخی. اونچی. گستاخ الگ اور با ادب الگ. اب اس سے آگے ذکر ہوگا ایمان والوں کا، اگلی آیتوں میں ذکر ہے ایمان والوں کا. ابھی تک جو ذکر آپ نے سنا وہ ان کا، جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، نبیوں کی توہین کرنے والے، تمسخر کرنے والے، ان کا بیان سنا. اب آگے بیان آئے گا ایمان. میں صرف ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، جھلک دکھا دیتا ہوں،
بیان آئندہ. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی. ان کا کیا ذکر ہوا؟ ان کی آس ٹوٹ جائے گی, ان کے لیے سزا ہی سزا. ایمان والوں اور نیکوں کے لیے جنت کی کیاریوں میں مہمانی ہوگی. جھلک, باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. فرق دیکھ لیں آپ, پچھلے جمعے کیا حال تھا اور آج کے جمعے کیا ہے. ایک چاند آیا تھا آپ نے دیکھا تھا تو مسجدیں بھر دیں, دوسرا چاند دیکھا تو مسجدیں خالی ہیں. یہ ہیں ہم لوگ, ایک مہینے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں, ہمارا یہ حال ہے. بھول گئے, پہلا جمعہ ہے عید کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. دو باتیں کرنی ہیں. پہلی بات وہ یہ, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے, ان تمام لوگوں کا, پہلے بھی کیا آج پھر کر رہا ہوں, جنہوں نے رمضان میں مسجد سے تعاون کیا, مالی طور پر تشریف لا کر آباد کر کے بڑی راتوں میں آئے, کتنے لوگوں نے کھانے کھلائے, کتنے لوگوں نے مسجد کے ساتھ ویسے تعاون کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. زکوٰۃ کے حوالے سے پاکستان, پاکستان سے باہر جن لوگوں نے زکوٰۃ بھجوائی, تعاون کیا, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کا ہدیہ قبول فرمائے. دوسری بات یہ کہ انتظامات کرنے میں پوری کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے سہولت کریں, لوگوں کو آسانیاں, اپنے طور پر جتنی کر سکتے ہیں کوشش کی, کہیں کوتاہی ہوئی ہو معافی چاہتے ہیں, آپ کی کوئی تجاویز ہوں کو مشورے ہوں تو ضرور دیا کریں تاکہ ہم زیادہ بہتر انداز میں آپ کے لیے انتظام کر سکیں. یہ دو باتیں مسجد کے حوالے سے ہو گئیں. مسجد کا مینار ابھی بننا ہے, نقشہ مسجد نبوی کے مینار کا میں بہت عرصہ پہلے مدینہ سے لے آیا تھا, اس کے مطابق بنانا ہے, لیکن پیسہ بہت زیادہ چاہیے, مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اللہ نے چاہا تو جلد وہ بھی بن جائے گا. ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ سب اپنے ملک کے بارے میں جیسا ہمیں کرنا چاہیے کر نہیں رہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں, گندگی ہے تو برداشت کر رہے ہیں, کچرا ہے تو برداشت کر رہے ہیں, لوٹ مار ہے تو برداشت کر رہے ہیں. ہم لوگ جرم کے خلاف بول بھی نہیں رہے, نکلنا تو دور کی بات, بول بھی نہیں رہے. ایسا جب ہوتا ہے, جب آپ خاموش رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ اس برائی پر راضی ہیں. پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر سب کے سب پکڑے جاتے ہیں. اگر آپ روک نہیں سکتے تو بول تو سکتے ہیں. میں بولنے کا یہ انداز نہیں کہہ رہا کہ گالیاں دیں, لیکن برائی کے خلاف بولنا چاہیے. رمضان شریف میں صرف آٹے کی لائنیں لگوا کے کتنے لوگوں کو مروا دیا, کتنی موتیں ہو گئیں. بد انتظامی کی وجہ سے ٹریفک کا کیا حال ہے, کتنے حادثے ہو رہے ہیں, ٹرین کے حادثے, روڈ کے.
वो कराची के एक ही इलाके के 9 लोग ईद मनाने गए, वापस एक्सीडेंट हुआ और सारे चले गए। खुशी कितने बड़े गम में अचानक बदल गई। मुझे और आपको सबको होश में आना होगा, गफलत से जागना होगा, वरना हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशा फैलाने वाले, बुराई फैलाने वाले, और ये जो टेलीफोन आपके हाथ में आ गया, ये बज़ाहिर खिलौना है। हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं, इस खिलौने का गलत इस्तेमाल हमारी नस्लें बर्बाद कर रहा है, और हम लोग कोई परवाह नहीं कर रहे। छोटे से छोटे बच्चे को इससे बीमारियां भी लग रही हैं रेडिएशन के साथ, और जो दूसरी अखलाकी ईमानी खराबियां आ रही हैं वो एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम नहीं सुधरेंगे हमें भुगतना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और वक्त गुजर जाएगा। कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली चली जाती है ऊंची? समझाने के लिए कहावत है ना। तो आपको जागना होगा, होश में रहना होगा, अपने औरतों बच्चों पे नज़र रखनी होगी, अपने माहौल को सुधारना होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। पिछले साल एक साहब ने कहा था शबे कदर नहीं मिल गई, नहीं मिली, खान से मिल लिया, बस यही बहुत है। एक साहब ने कहा कि जी खान के लिए जान देना ऐसा जैसे नबी के लिए जान देना। खान ने कहा कि अल्लाह ने नबूवत के लिए हुजूर को चुना था, इस काम के लिए मुझे चुना है। कल एक बच्चे से कहलवाया गया, खुशकिस्मत वालिदैन वो थे जो नबी पाक के माँ बाप थे, उनके बाद अगर खुशकिस्मत बाप हैं तो इस खान के बाप हैं, माँ बाप हैं। बोलो ये बातें बर्दाश्त होंगी? नबी पाक के वालिदैन के बाद सीधा खान पे आना, ये खान है क्या चीज़? सीधा वहां से आना कि जी उसके बाद खुशकिस्मत, इसके इतनी बड़ी गुस्ताखी। तुमने अगर अपने लीडर के लिए कोई तारीफ करनी है, जितनी बकवास करनी है करो, मगर दीन के हवाले से करोगे तो तुम सुन लो हम बर्दाश्त। हम ये दुआ करते हैं जो ऐसा कहलवा रहे हैं, जो ऐसा मान रहे हैं, अल्लाह इन सबको तबाह कर दे। जो इस पे खुश हो रहे हैं अल्लाह उनको भी तबाह कर दे। शर्म नहीं आती इनको? तुम किसी सहाबी के नहीं हो सकते, तुम नबी की बात कर रहे हो। और तुम्हें इसके करतूत मालूम है, इसका किरदार मालूम है, नबी के लिए कितने गलत लफ्ज बोले इस शख्स ने, क्या क्या हरकतें हैं उसकी, उसकी स्याकारियां, और उसके बाद ऐसी बात करते हो। शर्म करो, शर्म करो। अल्लाह ताला इन लोगों से नजात अता फरमाए। मैं और आप सब गुनाहगार हो रहे हैं। क्यों? हम लोग नहीं जी, कुछ कहते हैं यही है, फलां है, डिमका है, अजीब बातें हो रही हैं। मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि उसके हामी जितने हैं जो उसके साथ जहाँ जाना चाहते हैं वो सुन लें। दीन के हवाले से अगर तुम्हारी ऐसी बातें आएंगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा। वैसे भी होना तुमने जो कुछ किया है, लेकिन दीन के हवाले से ऐसी गुस्ताखियां करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, और हम बर्दाश्त। हमारे हुक्मरानों को तो परवाह नहीं है ना, वो तो दुनिया के कुत्ते हैं। सोने की हड्डी फेंको इंसान कुत्ता बन जाता है। कोई हुकूमत लेने के लिए, कोई हुकूमत बचाने के लिए, उनको और किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं। ईद से पहले अचानक 10 रुपए पेट्रोल के और बढ़ा दिए ताकि इनके खर्चे पूरे हो जाए।
یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں لوگوں پہ ظلم کر کے، اور جو قوانین بنا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سارے، کوئی ایک پارٹی نہیں، کوئی ایک شخص نہیں، یہ سارے سیاستدان، سارے کے سارے، الا ماشاءاللہ، ان سب پر قتل کے، انہوں نے کتنے قتل کروائے، کتنے کرپشن کیے، کتنا لوٹا، کتنے گناہ کیے، ان میں سے کسی کا دامن صاف نہیں. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ پاکستان بنا تھا نا ماؤں نے، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں، ٹرینوں کی ٹرینیں لاشوں سے بھری آئی تھی، کیا یہ باتوں، ان باتوں کے لیے ملک بنایا تھا؟ تو اس لیے بنایا تھا کہ نبی کا نظام عملاً نافذ ہوگا، مسلمانوں کو الگ ریاست ملے گی جہاں اسلام کا نظام ہوگا، اس الگ ریاست میں اور سب کچھ ہوئی، اسلام کا نظام نہیں آیا، اور آنے دینا بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ غیروں کو خوش کر رہے، ان کو ہی راضی کرنا انہوں نے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ باتیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اور آپ گناہگار نہ ہوں، ہم کم از کم آواز تو بلند کریں. میرا سیاست، اس مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، لیکن کب؟ جب ہم اچھوں کو ووٹ دیں گے. ہم ووٹ ہی انہیں کو دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا کام نکلے گا، یہ ہوگا. تو جو کروڑوں خرچ کر کے جائے گا وہ کروڑوں کمائے گا بھی، پھر آپ کی برائیاں بھی وہی رہیں گی، خرابیاں بھی وہی رہیں گی. ہم نہیں بدلیں گے تو یہ سب کچھ بدلے گا نہیں. یہ خاتون نے کہا بیمار رہتی ہوں، دعا کر دیں 150 روپے مسجد